चलिए अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन टुडेज ओरिएंटेशन सेशन एंड माय नेम इज शहीर मिर्जा। आई एम अ टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर एंड आई हैव बीन इन द फील्ड फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years एंड इंशाल्लाह आई विल बी द वन हु विल बी टीचिंग दिस एंटायर कोर्स टू यू फ्रॉम द स्क्रैच। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड अदर एस्पेक्ट्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड विद यू टुडे। The purpose of this orientation is to discuss basically कि हम इस 4 months के कोर्स में क्या करने के लिए जा रहे हैं, राइट? और ये कोर्स आपको, जब आप इसको कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो ये आप कितने कैपेबल हो जाएंगे फाइलिंग्स करने के लिए या किसी क्लाइंट को एडवाइस करने के लिए, और आपके पास जो एक बुकिश नॉलेज है उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कितनी जो है वो रिसीव होगी। तो बेसिकली इस कोर्स का, जो सीटीए का कोर्स है बेसिकली सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का, इसका मेन पर्पस यही है कि हम लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकली भी चीजों को अप्लाई करें। लॉ तो आपको पता है इजीली अवेलेबल है, आप कोई अगर बुक भी परचेज कर लें और उसको थोड़ा आप सर्च करें और ऑर्डिनेंस से भी अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें तो लॉ पे तो आपकी ग्रिप आ जाएगी, ठीक है। बट प्रैक्टिकली उन चीजों को कैसे देखना है, कैसे रिटर्न फाइल होगा, कैसे चीजों को आप लोगों ने लेके चलना है, एडवाइस कैसे करनी है, क्या चीजों के लिए जो है प्री रिक्विजिट है, आपने किन किन चीजों को जो है फुलफिल करना है रिटर्न फाइलिंग करते वक्त या किसी क्लाइंट को एडवाइस करते वक्त, इस कोर्स में बेसिकली आपको जो ज्यादा हमारा फोकस है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल जो है लॉ की नॉलेज नहीं देंगे। सबसे पहले हम लॉ को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जो भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, जो हम प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे वो उसी लॉ पे ही बेस कर रहे हैं। जब तक आपको वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो फंडामेंटल लॉ, लॉ की जिस्ट आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक प्रैक्टिकली चीजों को आपके लिए करना वो मुश्किल होगा। देखिए, सॉफ्टवेयर को रन करना और पोर्टल पे जाके फीडिंग करना इज समथिंग डिफरेंट। वो अगर मैं किसी एक इंटर के बच्चे को बिठाऊं, अगर मैट्रिक के बच्चे को, उसको थोड़ा सा ट्रेन करूं 15-20 डेज, तो वो भी पोर्टल सीख जाएगा, उसको पता है इसमें कौन सी फिगर कहाँ पे पुटअप करनी है। लेकिन जो पोर्टल पे आप फिगर पुटअप कर रहे हैं उसके पीछे आपकी वर्किंग क्या है, वो वर्किंग किस चीज पे बेस करती है वो ज्यादा मैटर करती है। कल को अगर आपको कोई नोटिस रिसीव होता है, कोई कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको क्वेरी रिसीव होती है, तो आप उसको जो है कैसे फाइट करेंगे? जब तक आपके पास कोई फंडामेंटल वर्किंग नहीं होगी और नॉलेज नहीं होगी उस लॉ की कि आपने किस प्रोविजन के तहत आपको आपने ये प्रैक्टिकली चीजों को फाइल की है। तो हमारे कोर्स का बेसिकली मकसद इस वक्त यही है कि हम प्रैक्टिकली आपको चीजें सिखाएं, लेकिन बेस तो सारी लॉ पे ही करेंगे। तो पहले लॉ पढ़ा जाएगा और साथ साथ जो भी सिमिलरली जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उसकी वो हम क्लास में ही परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट? अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है आईसीटी बेसिकली 2021 में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन जो है क्लासेस देने स्टार्ट की थी। अलहमदुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये नीड फील हुई कि हम जो है डिफरेंट सिटीज में फिजिकल क्लासेस या हाइब्रिड क्लासेस आप कह लें वो भी हम प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। अलहमदुलिल्लाह इस वक्त जो है आईसीटी काफ़ी सिटीज़ के अंदर है। आप कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर में भी इसकी ओपनिंग हो रही है, राइट? तो डिफरेंट जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसमें जो है आईसीटी जो है अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, आईसीटी बेसिकली इज नॉट अबाउट जस्ट पाकिस्तान इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स। हम इसके अलावा जो है डिफरेंट टैक्स के या कॉर्पोरेट के जो कोर्सेज है वो भी करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस एलएलसी एंड बिजनेस टैक्सेशन या इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करें तो वो भी इस वक्त जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है उसकी ट्रेनिंग आपको, राइट? उसके साथ साथ अगर आप यूके की बात करें तो यूके में आपको पता है वैट ही अप्लाई होता है, तो हमारे इंस्टीट्यूट आपको वैट की भी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरीके से हम पाकिस्तानी लॉ को पढ़ेंगे इसी तरीके से अगर आप वैट में एनरोल होते हैं
वैट ही आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, प्रैक्टिकली आपको चीजें बताई जाएंगी, राइट। इसके साथ साथ जी हमारे पास यूएई का, आपको पता है कि 2023 से वहां पे कॉर्पोरेट लॉ जो है वो इंपोर्ट कर दिया गया, लेकिन 2018 से वहां पे वैट भी चल रहा है, और अब जो यूएई है वो काफी जोर शोर से उन्होंने जो है इन्फोर्समेंट स्टार्ट कर दी है अपने कॉर्पोरेट टैक्सेशन की एंड वैट की। कुछ सारे सिनेरियो को समझने के लिए और यूएई में रहते हुए जॉब को हंट करने के लिए ये कोर्स जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि आप वहां पे या तो जॉब कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, या आप किसी क्लाइंट को वहां पे एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो है वो कॉर्पोरेट लॉ का, वैट का, कंपनी फॉर्मेशन वहां पे कैसे होगी यूएई में, वो सब चीजें उस कोर्स के अंदर डिस्कस होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जी कॉर्पोरेट लॉ है पाकिस्तान का, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपकी कंपनी फॉर्मेशन, आपकी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप, और आपने इंडिविजुअल बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, वो सब आप इस कोर्स में करेंगे। ऑल दो ये जो आपका सीटीए का कोर्स है उसके अंदर ये कॉर्पोरेट लॉ जो है उसका पार्ट वो इंक्लूड है, राइट। और इसके साथ साथ जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड है, कि आप क्या, अगर कोई ट्रेडमार्क, कोई कॉपीराइट है तो वो आपने कैसे रजिस्टर करवाना है, तो वो भी आप सीटीए के कोर्स में सीख लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल भी कोर्स ये हमारे पास अवेलेबल है, अगर कॉर्पोरेट लॉ का या आईपीओ की अगर बात करें तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, वो भी इस वक्त एचडी फुल फ्लेज्ड जो है अपनी ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कर रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान। इसके अलावा फिफ्थ जो कोर्स है हमारे पास, दैट इज एडवांस टैक्स लिटिगेशन। आपको पता है एक टैक्स प्रिपरेशन होती है, और उसके बाद डिपार्टमेंट को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, लेट सपोज अगर वो समझते हैं कि ये चीज अदर देन द लॉ है, ये इलीगल है, या यहाँ पे टैक्स इवेजन हुई हुई है, या उनको कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो आपको नोटिस सर्व कर देते हैं, और वो नोटिस को आपने फिर कैसे जो है फाइट करना है, किन किन फोरम पे आपने करना है, वो एक सेपरेट एक प्रैक्टिस है। टैक्स प्रिपरेशन इज समथिंग डिफरेंट, और उसके अगेंस्ट जो आपको नोटिस रिसीव होते हैं तो आप किन किन फॉरम्स पे उसको फाइट कर सकते हैं। लाइक आप पहले कमिश्नर लेवल पे जाकर उसको फाइट करेंगे, फिर आप कमिश्नर अपील्स के पास जाके फाइट करेंगे, फिर आपके पास ट्रिब्यूनल का फॉरम है, आप ट्रिब्यूनल पे जाके उस केस को जो है अपने प्लीट करेंगे, एंड देन आगे आपके पास जो है हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। तो एडवांस टैक्स लिटिगेशन जो है वो बेसिकली यही चीज हम इसमें ट्रेन कर करवाते हैं, कि आपने जो आपका केस इस वक्त डिस्प्यूट में, वो आपने कैसे प्रेजेंट करना है बिफोर लॉफुल अथॉरिटीज, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, आपने किस तरीके से केस लॉ को जो है सर्च करना है, किस तरीके से आपने अपना केस जो है वहां पे प्रेजेंट करना है। ये जो एडवांस टैक्स लिटिगेशन का कोर्स है ये बेसिकली आपको यही बताया था कि आपकी अपील, असेसमेंट, रिफंड, जो भी मामला आते हैं जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये इस चीज कोर्स के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आपको पता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपका लेट सपोज अगर आप बैंक की बात कर लें, या अगर आप अपनी जीडी की बात कर लें, इसके अलावा आप, आपको पता है पहले वीबॉक हुआ करता था, और वीबॉक की जगह आपको पता है पीएसडब्ल्यू है, पर्सनल सिंगल विंडो, वहां पर आपने कैसे डिक्लेरेशन को फाइल करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट के प्रोसेस के अंदर क्या डॉक्यूमेंटेशन है, आपने कैसे उसको फाइल करना है, तो कैसे आपने अपने कस्टम से चीजों को क्लियर करवाना है गुड्स को, वो सब इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट नाउ जो हमारा डेमो है बेसिकली वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का है, तो हमने उसके अंदर जो है पाकिस्तान जो टैक्सेशन है उसको कंप्लीट कवर करना है, और उसके साथ साथ जो हमारा कॉर्पोरेट लॉ है वो हमने कंप्लीट उसको कवर करना है, राइट। अच्छा जी, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, और अलहमदुल्ला मोर देन 8 to 10 years क्लीनिंग में दे चुका हूँ, एंड आई एम रनिंग माई ओन फॉर्म जिसमें मैं अपनी टैक्स एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, फ्रॉम बुक कीपिंग टू टैक्स सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज एंड आईपीओ सर्विसेज। अच्छा जी, हमारा कोर्स का जो इंटायर प्लान है वो क्या होगा, हम उसको कैसे लेके चलेंगे, बीच में कितनी, अभी 1 वीक में कितनी क्लासेस होंगी, उसके कितने हमारे जो है क्रेडिट आवर्स होंगे, और मोड क्या होगा हमारा जो है ट्रेनिंग का, उसके अंदर हमारे टॉपिक्स या जो जो लॉज हमने कवर करने वो क्या क्या होंगे, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी फॉर्मेशन
पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, उसके हमारे पास क्या लेजिस्लेशन अवेलेबल है। जैसे SECB में हमारे पास कंपनीज एक्ट है 2017, और अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो वो लॉ क्या कहता है कि आपने पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर करनी है, कितने मेंबर्स होंगे, कितने पार्टनर्स होंगे। कंपनीज एक्ट ये बताता है कि आपके पास कितनी टाइप ऑफ कंपनीज है, वो आप कौन सी कंपनीज जो है कब आपने कैसे फॉर्म करनी है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो सब इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, राइट। और उनकी क्या कंप्लाइंसेज हैं, एनुअल कंप्लाइंसेज कह लें या क्वार्टरली कंप्लाइंसेज कह लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज की कंप्लाइंसेज है कि उन्होंने फॉर्म 29 फाइल करना है, ठीक है, लेट्स से लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड करनी है, SECB को जो सबमिट करवानी है, तो वो सब हम इसी कॉर्पोरेट लॉ में ही कवर करेंगे कि वो फाइलिंग्स किस तरीके से होंगी, उनका लॉ क्या है, कंपनी फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे हम प्रैक्टिकली कि हमने कंपनी फॉर्म कैसे करनी है, उसके क्या प्री रिक्विजिट है, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे और उसको हम यहाँ रजिस्टर करना सीखेंगे। अदर देन दैट इसी तरीके से हम पार्टनरशिप को ही भी बनाना यहाँ पे सीखेंगे, डीड कैसे ड्राफ्ट होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स ऐड होंगे, क्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एंड देन हम इसको ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं और कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। लास्ट इंडिविजुअल जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होती है, ये प्रोप्राइटरशिप जिसे आप कहते हैं नॉर्मली, वो आपने कैसे रजिस्टर करना है, अपने एनटीएन पे आपने बिजनेस को कैसे ऐड करना है, एनटीएन आपने फॉर्मेशन कैसे करनी है और कैसे आपने इन चीजों को रेगुलेट करना है, वो हम कॉर्पोरेट लॉ में इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। आपको पता है कि डिफरेंट बिजनेस जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो कराची का हो या इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो। अभी हम कराची में, तो ऑब्वियसली हम कराची से ही उसको देखेंगे कि हमने किस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अपने बिजनेस को जो है रजिस्टर करवाना है, उसके क्या प्री रिक्विजिट है, कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, फॉर्म क्या है, सारी चीजें वो सब कॉर्पोरेट लॉ के अंदर वो कवर हो जाएंगी, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा हम जो है इनकम टैक्स जो है उसको कवर करेंगे। इनकम टैक्स में आपको पता है हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, जिसके तहत जो है हम अपनी सारी जो है फाइलिंग या इनकम टैक्स जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस हैं वही जो ऑर्डिनेंस है उसको रेगुलेट करता है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, टैक्स रिडक्शंस कैसे होती हैं, टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, टैक्स रिबेट्स क्या होते हैं, अलाउेबल डिडक्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो हमारा मेन इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो सब टॉपिक है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसको हम कवर करेंगे। उसकी क्या लीगैलिटीज हैं, क्या चीजें हैं, क्या लॉ कहता है, इनके बारे में प्रोविजन क्या है हमारे पास इसकी, वो सब इन 5 हेड्स में हम इनको कवर करेंगे। जब तो हम इन 5 हेड्स को कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके साथ साथ हम फिर फाइलिंग भी, ये जो हम 5 हेड देखेंगे साथ साथ इन्हीं क्लासेस में फाइलिंग चल रही होंगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हम उसी लास्ट क्लास में यहाँ पे सैलरी के रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको पूरा कोर्स पढ़ेंगे एंड देन लास्ट की 2-3 क्लासेस आपको जो है बता देंगे कि इस तरीके से रिटर्न फाइल होता है। जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसी टॉपिक के साथ साथ हम उसी का जो रेलिवेंट रिटर्न है उसको हम फाइल करेंगे, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो सके और आपको ये पता लग सके कि किस कॉलम में जो भी हमने चीजें पढ़ी है फ्रेश वो कैसे वहां पे अप्लाई होंगी, राइट। जब हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, उसके साथ साथ हम नोटिसेस और असेसमेंट जो आपकी होती हैं, आपको जो नोटिसेस रिसीव होते हैं, ऑडिट का नोटिस है, रिकंसिलिएशन के नोटिसेस हैं, उसको आपने कैसे डील करना है, अपील आपने कैसे फाइल करनी है, अपील का ड्राफ्ट क्या होना चाहिए और आपने रिफंड कैसे क्लेम करना है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। और इसके अलावा जो हमारे पास जो डिफरेंट आजकल जो आपको पता है बजट आया है, उस बजट से रिलेटेड कुछ डिफरेंट प्रोविजन है, वो भी हम एक सेपरेटली जो है इसको डिस्कस करेंगे, उसके इम्प्लीकेशन को हम देखेंगे कि वो क्या प्रोविजन क्या है, ठीक है। बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो जस्ट है वो हम उसको डिस्कस तो करेंगे करेंगे, लेकिन जो आजकल जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अमंग द पीपल जो टैक्स फाइल करते हैं या जो टैक्स एडवाइजर्स हैं, जो वहाँ पे बहुत हॉट टॉपिक्स आप कह रहे हैं जो है, तो हम उसको वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि वो भी अगर आप किसी को एडवाइस करें तो आपके पास क्लैरिटी हो कि आपने क्या चीजें करनी है, राइट।
अच्छा, इसके अंदर हम जो है साथ साथ आपके जो पर्सनल रिटर्न फाइलिंग है उसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज वेल्थ स्टेटमेंट। वो वेल्थ स्टेटमेंट आपने कैसे फाइल करनी है, ओपनिंग वेल्थ कैसे फाइल होगी और उसमें कैसे एसेट्स आपने शो करने हैं, उसकी रिकंसिलिएशन आपने कैसे करनी है, वो भी सब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम इसको कवर करेंगे। तो कंपेरेटिवली जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पार्ट होगा वो प्रोलॉन्ग होगा, वो थोड़ा सा हमको कोर्स जो है लंबा जाएगा इसमें, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इटसेल्फ इज अ वेरी लेंदी ऑर्डिनेंस, उसके जो प्रोविजन हैं, जो सेक्शन हैं, शेड्यूल्स हैं, वो काफी है, राइट। देखिए, इसके बाद हम सेल्स टैक्स अपना कवर करेंगे। सेल्स टैक्स आपको पता है बेसिकली गुड्स पे भी है और सर्विसेज पे भी है। गुड्स आपका आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और सर्विसेज जो है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो वो हम दोनों चीजों को कवर करेंगे। गुड्स पे अगर कोई सेल्स टैक्स की इम्प्लीकेशन है तो वो कैसे आपने करनी है, कौन कौन रिक्वायर्ड है इस सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए, और इसके जो डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे हमने देखने हैं, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ये क्या होता है, ठीक है, आपने टैक्स कैसे पे करना है, आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है, रिटर्न की डेट्स क्या है, तो सारी चीजें जो हम सेल्स टैक्स के अंदर देखेंगे। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलिंग वगैरह हैं सारी लॉ जो हम इसको पढ़ेंगे, साथ साथ हम इसको ये भी देखेंगे कि इसके जो नोटिस हैं वो आपने कैसे हैंडल करने हैं, असेसमेंट, अपील वगैरह, रिफंड वगैरह, जो मसला है वो सब हम इसके अंदर सब चीजें देखेंगे, राइट। तो सेल्स टैक्स जो है बेसिकली कंपेरेटिवली इनकम टैक्स से थोड़ा सा शॉर्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें जो है वो गुड्स और सर्विसेज पे ही है, क्योंकि वो इनकम पे तो डायरेक्टली टैक्स है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है वो, जो कंजम्पशन पे जो है आपकी अप्लाई होता है वो, जो हमने सेल्स टैक्स जो है बेसिकली उसमें हमने सारी चीजें देखनी है कि आपके अनेक्सर ए बी सी डी आपने वो सारे कैसे फिल करने हैं। वो बेसिकली 3 4 क्लासेस में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे इनशाला, एंड फर्दर जो क्लासेस होंगी 3 4 क्लासेस वो हम जो है रिटर्न फाइलिंग पे ही उसको देखेंगे कि आपने इनवॉइस कैसे अपलोड करनी है, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, और आपने कैसे चीजों को आगे लेके चलना है, राइट। क्योंकि सेल्स टैक्स हमारा एक ऐसा लॉ है जो कि डेली बेसिस पे जो है अमेंड हो रहा होता है, बजट में तो उसको अमेंडमेंट्स आती ही आती हैं, लेकिन बजट के साथ साथ आपकी जो है डेली बेसिस पे कोई ना कोई एस आर ओ, कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिसमें सेल्स टैक्स के कुछ ना कुछ अमेंडमेंट जो है वो चल रही होती है, वो भी हम चीजों को इसमें कवर करेंगे। अच्छा जी, बेसिक अकाउंटिंग इसमें हमने भी ऐड किया, वो इसलिए किया क्योंकि आपको पता है आप जो टैक्स पे करते हैं वो अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं। अगर मैं बात करूं बिजनेस रिटर्न्स वालों की या बिजनेस इनकम टैक्स इनका है, तो वो पहले सबसे पहले जो अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करते हैं, अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, आपकी क्या रेवेन्यू है, क्या चीजें उसमें से उसको लेस करने के बाद जो है वो आपके जो प्रॉफिट आता है उसको टैक्स पे करना है। जाहिर बात है जब आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तभी आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं या बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं आपके पास। जाहिर बात है जब आप कंपनी का रिटर्न फाइल करेंगे तो कंपनी की रिटर्न जो फाइल होते हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर फाइल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, इनकम क्या होती है, रेवेन्यूज क्या होते हैं, जो आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के वो हम इसके अंदर जो है कवर करेंगे। और वो कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो बिजनेस टैक्सेशन है ना वो उसी पे बेस करती है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि बिजनेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जी डेप्रिसिएशन का, जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप वहां पर टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है बैड डेट्स का, आप टैक्स हमारे ये भी प्रोविजन देता है कि आपने बैड डेट्स को कैसे डील करना है, तो आपको जब तक अकाउंटिंग बैड डेट्स का नहीं पता होगा तो आप कैसे इस प्रोविजन के तहत जो है या लॉ के तहत आप जो है बैड डेट्स को जो है कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग ऐड करने का मकसद ही यही है कि हम इनिशियली जो बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको हम जो है इसके अंदर कवर कर लेंगे, ताकि जब आप बिजनेस रिटर्न फाइल करें या बिजनेस टैक्स की तरफ अगर मूव करें तो आपको वो चीजें समझ आ रही है। जब मैं एसेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, जब डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा हूँ, या जब मैं रेवेन्यू के बारे में या लॉस के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आपको पता हो कि ये सारी चीजें क्या डिस्कस हो रही है। उस वक्त ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा कि एसेट की बात हो रही है तो ये एसेट गया, राइट। तो अकाउंटिंग को जो ऐड करने का मकसद है वो यही है, ताकि आप बिजनेस टैक्स रिटर्न को इजीली जो है ग्रैप कर सकें।
अच्छा जी, ये कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? कोर्स की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की है, 60 क्रेडिट आवर्स है, और आपकी जो क्लासेस होंगी वो 2 डेज अ वीक होंगी, राइट? वो जो भी आपके साथ जो है कम्युनिकेट कर देगी मैनेजमेंट, लेकिन किस डेज पे कितनी आपकी क्लासेस हैं क्या है, वीक में आपकी 2 क्लासेस होंगी और अबाउट 1 30 to 2 आवर्स आपकी जो है क्लास हुआ करेगी। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम जो है 4 मंथ में इसको कवर कर लेंगे, और ऑलमोस्ट जो इसके जो लेक्चर्स होंगे अराउंड वो 32 हैं, और 32 लेक्चर्स तो हो ही जाते हैं कवर, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत एक्सीड भी कर जाए, 34 35 भी हो सकते हैं। तो आप अपने माइंड में रखिएगा कि 32 35 ही लेक्चर्स में आपका ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज तो इसे मिस कर रही हूँ, दैट इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आपको पता है कि आपके जो है, एक तो आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं, एक आपके जो है इंटेलेक्चुअल एसेट्स होते हैं, जैसे आपके आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, आपकी कंपनी का कोई लोगो है, कोई ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाया जिसे आप सिक्योर करना चाह रहे हैं ताकि वो किसी को कोई उसको कॉपी ना कर सके, उसके लिए हमारे पास जो आईपीओ लॉज अवेलेबल है, ठीक है? उस आईपीओ लॉज के तहत हम ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फाइलिंग कैसे होती है, कॉपीराइट की फाइलिंग कैसे होती है, कॉपीराइट है क्या, ट्रेडमार्क है क्या, बेसिकली इनकी फीस क्या है, इनका प्रोसीजर क्या है, वो आपने कैसे फाइल करना है, वो भी जो है आप सेपरेटली इस ट्रेडमार्क वाले कोर्स के अंदर आप इसको पढ़ेंगे, राइट? बेसिकली जो आपके जो सीडीए के जो कंपोनेंट हो गए हैं वो एक कॉर्पोरेट लॉ हो गया, एक आपका इनकम टैक्स है, एक सेल्स टैक्स है, एक बेसिक अकाउंटिंग है, एंड आईपीओ लॉज है। ये पांचों जो कंपोनेंट्स आपके ये कवर होंगे, और इंशाल्लाह विद इन 4 मंथ्स, और इसके ऑलमोस्ट 30 to 35 लेक्चर होंगे, और एक लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का वेरी करेगा, ठीक है? ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटे हो ही जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ क्यूरीज होती है जिसे रिजॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम क्लास स्टार्ट करें तो 1:30 पे हम तो बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे, जो आपकी क्यूरीज होती हैं, जो आपके प्रॉब्लम होंगे, उसी को क्लास में हम सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्लास को वाइंड अप करेंगे, राइट? अच्छा जी, लर्निंग मेथड्स के हमारे पास अब ऑब्वियसली एक हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड सेकंड हमारे पास जो है फिजिकल क्लासेस अवेलेबल है, तो आप फिजिकली भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो मेन फोकस है वो बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो हमें लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे लिंक करना है, उसको अलाइन करते हैं, वो कैसे फाइलिंग करनी है, वो सब चीज़ हमने इसमें देखनी है। तो हमारा मेन फोकस भी इंशाल्लाह ताला सीपीए के कोर्स में यही होगा। अच्छा जी, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट कैसे आप जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके पास एक कंप्लीट लॉ की और प्रैक्टिकल नॉलेज अवेलेबल होगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी फॉर्म ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ प्री रिक्विजिट हैं, कि आपके पास मिनिमम जो है आईटीपी का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें, वो सब हम अभी आगे जाके आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। दूसरा ये कि अगर आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट नहीं प्रैक्टिस कर दें तो आप किसी भी कंपनी में उनके जो बिजनेस कंप्लाइंसेज हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड है, चाहे कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, वो आप एज अ जॉब वहां पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपनी ड्यूटीज आप अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये कोर्स करके निकलेंगे तो आपको फर्दर किसी इंटर्नशिप की जरूरत नहीं होगी कि आप वहां पे टाइम लगाएं, आप डायरेक्टली अप्लाई करके ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्स आप जॉब जो है हंट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें आईसीटी आपको जॉब प्रॉमिस नहीं करता है, ना आपको कोई बिजनेस प्रॉमिस कर रहा है, बट इतना आपको कैपेबल कर देगा कि आप इजीली जो है जॉब हंट कर सकते हैं, राइट? और आपको जॉब हमारे जो पिछले पिछले जो बैचेस हैं उनमें से काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब हंट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी सारे काम कर भी रहे हैं, ठीक है? जो जिन्हें मैंने पढ़ाया है, बातचीत होती रहती है उनसे, तो इस पर जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस में जो है काम कर रहे हैं, राइट?
अच्छा जी, थर्ड चीज लर्निंग आउटकम क्या है जी? प्रैक्टिकल लर्निंग आपको बता चुका हूँ, प्रैक्टिकली चीजों को आप देखेंगे और प्रैक्टिकल ही आप यहाँ से लेके उठेंगे कि हमने चीजों को फाइल कैसे करना है। ये तो हम सबको पता है कि जी इस वक्त के सैलरी के जो रिटर्न्स हैं वो 30th जो है सितंबर को फाइल होंगे। अब फाइल कैसे करना है, कहाँ पे जाकर करना है, वेबसाइट क्या है, पोर्टल क्या है, वो सब इसी चीज में प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। अच्छा, चौथी चीज जो हमारी तरफ से आपको जो है असिस्टेंस होगी जो इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो ये होगी कि आपको ITP के लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए हमारी पूरी फुल सपोर्ट आपके साथ होगी कि आपने किस तरीके से FBR में जाके अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और इंटरव्यू आपने कैसे उनको देना है और उसके बाद जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो कैसे आपने ITP के लाइसेंस के लिए जब आप रिक्वायर करेंगे तो आपने कैसे करना है। तो मैं आप सर इंशाल्लाह ताला जो भी होगा, आप जो भी आप में से ITP के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको एक प्रॉपर समझाएंगे, गाइडेंस देंगे कि आपने इस तरीके से जो चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। और इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हम आपको 6 मंथ तक जो है हमारी असिस्टेंस आपको प्रोवाइड होगी। ग्रुप तो आपके पास अवेलेबल होंगे, पोर्टल भी आपके पास अवेलेबल होंगे जिसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट देखें 4 महीने आपके में हम आपको वैसे ही पढ़ा रहे होंगे, ट्रेन कर रहे होंगे, लेकिन उस कोर्स के कंप्लीट होने के फर्दर 6 मंथ जो है वो भी आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, हमारी गाइडेंस आपके पास अवेलेबल होगी। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, कोई इशू होता है तो हम आपके पास जो है अवेलेबल होंगे कि हम आपको बता सकें कि आपने कैसे चीज़ों को करना, राइट। अच्छा जी, जब आप ये CTE का कोर्स कर लेंगे और लेट से आप लेट सपोज अगर किसी ने यहाँ पे LLB किया हुआ है, लॉयर है, अगर कि बंदा उसके पास लाइसेंस है और किसी ने लेट सपोज ग्रेजुएशन की हुई है, CA किया हुआ है, ECC किया हुआ है, तो FBR ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं कि आप कहाँ कहाँ तक अपने केस को फाइट कर सकते हैं, किन किन फॉर्म तक, राइट। अगर मैं लॉयर की बात करूं या एडवोकेट की बात करूं, जो एनरोल्ड एडवोकेट है हाई कोर्ट, तो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कमिश्नर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके केस जो है वो देख सकते हैं। चाहे वो अपील, आप अपील फाइल करनी हो कमिश्नर अपील्स के पास, या ट्रिब्यूनल में आपका केस फाइट करना हो, हाई कोर्ट में करना हो, सुप्रीम कोर्ट में करना, तो आप जो है अगर एडवोकेट हाई कोर्ट है या एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है तो आप वहां पे चीजों को फाइट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला जो फोरम होता है जहाँ पे हम जाके अपने केस को जो है डिफेंड करते हैं, दैट इज कमिश्नर। जो कमिश्नर आपका रेलिवेंट कमिश्नर होता है वो आपको नोटिस देता है, और तो सबसे पहले जो आपने प्रेजेंस देनी होती है वो आपने कमिश्नर साहब को देनी होती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉरम है वो कमिश्नर का है, तो उसमें एडवोकेट मैंने आपको बता दिया कि भी कोई जरूरत नहीं उनको लाइसेंस की ITP की, वो डायरेक्ट जाए, वो एडवोकेट है तो वो अपने केस को प्लीड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। दूसरा भी मैंने आपको बताया था ITP, ITP जो है अगर आपके पास ITP का लाइसेंस है तो आप कमिश्नर के सामने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनका जो केस है उसको प्लीड कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वन जो आपको नजर आ रहा है। सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेशन बिफोर कमिश्नर अपील। फिर वही, अगर आप एडवोकेट हैं या ITP है तो आप कमिश्नर अपील के सामने अपने केस जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका अपील रिक्वेस्ट गए एडवोकेट या ITP। अच्छा जी, अगर आपको देखिए कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि नोटिसेस के साथ साथ वो आपको रिकवरी की नोटिस भी इशू कर देते हैं। जब रिकवरी के नोटिस इशू होता है तो फिर आपके जो बैंक अकाउंट से वो अटैच कर दिए जाते हैं और वहां से जो पैसे ऑटोमेटिकली जो FBR आपके डिडक्ट कर लेगा। ऑब्वियसली उससे बचने के लिए एडवोकेट ITP जो एडवाइजर होते हैं वो स्टे फाइल करते हैं। ITP भी जो है एडवोकेट के साथ साथ अपने क्लाइंट के लिए टैक्स का स्टे जो है वो फाइल कर सकता है बिफोर कमिश्नर अपील। वो सब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ फोर्थ वन इज रिप्रेजेंटेशन बिफोर एपेलेट इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। तब कमिश्नर अपील्स के पास से आपको अगर कोई ऑर्डर मिलता है, वो ऑर्डर में आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप समझते हैं कि हमारे साथ जो है ये लेट्स सपोज ज्यादती हुई है, तो आपके पास एक नेक्स्ट फोरम होता है, दैट इज एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो उस ट्रिब्यूनल में भी जो है आप एज एन एडवोकेट या एज एन ITP आप वहां पर जाकर
अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर जाकर आप स्टे भी जो है बिल्कुल फाइल कर सकते हैं बिफोर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, चाहे वो आप एडवोकेट हैं या आईटीपी हैं। तो अगर आपके पास आईटीपी का लाइसेंस आ जाता है तो आप काफी सारे जो आपके फॉर्म्स हैं वो अनलॉक हो जाते हैं और अपने केस को आप लीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो दो फॉर्म्स हैं, दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए यू मस्ट हैव LLB डिग्री और आप एनरोल्ड एडवोकेट हो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के। फर्दर अगर आपने जिस अभी आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट रेफरेंसेस फाइल होते हैं, टैक्स के रेफरेंसेस फाइल होते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, चैलेंज करने के लिए, तो उसके लिए एडवोकेट हाई कोर्ट होना मैंडेटरी है। वहां पर जो आईटीपी या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई ACCA क्वालिफाइड जो है नहीं जा सकता और अपने केस को प्लीड नहीं कर सकता, उसके लिए आपके पास एडवोकेट का लाइसेंस होना मैंडेटरी है, राइट। एडवोकेट हाई कोर्ट लिखा है सर, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है अपने क्लाइंट की, ठीक है, तो अगर आप एडवोकेट हैं तो आप वहां पर जो है क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन अगर आपके पास जस्ट आईटीपी का लाइसेंस है तो फिर आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एडवोकेट होना जरूरी है। भले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या ACCA क्वालिफाइड हैं, आपने पिकपा किया हुआ है, लेकिन आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक आप एडवोकेट नहीं, वो भी हाई कोर्ट की एनरोलमेंट आपके पास होना मैंडेटरी, राइट। अच्छा जी, आईटीपी के लिए एडवोकेट का आप सबको पता है कि जी LLB वाला समझे भी, एडवोकेट के लिए आप सबको पता है कि जी उसका प्री रिक्विजिट दैट इज LLB, और 2 साल का उनका जो है लोअर कोर्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन वो हाई कोर्ट में एनरोल होते हैं। आईटीपी के लिए FBR ने ये प्री रिक्विजिट दिए, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब, उसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज एटलीस्ट आपके पास बीकॉम होना जरूरी है, एटलीस्ट। और उस बीकॉम में भी आपने जो इलेक्टिव सेलेक्ट किया होगा लास्ट जो भी, उसमें आपने टैक्स जरूर पढ़ा हुआ, ठीक है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज बैचलर्स इन कॉमर्स, या आप MCOM हो, MBA हो, BBA हो, BS इन मैनेजमेंट साइंसेज, LLB, तो ये सब जो है आईटीपी के लिए एलिजिबल है लाइसेंस लेने के लिए, राइट। अच्छा, CA के अंदर उन्होंने कुछ जो है ये समझने की रिलैक्सेशन दी है कि अगर आपने CA कैप तक क्वालिफाई किया हुआ है तो फिर आप आईटीपी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। CA अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ, जस्ट आपका कैप है, तो आप आईटीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से CMA है, CMA का भी कुछ उसका लेवल है मेरे ख्याल में, जो उसका मैनेजरियल लेवल है, अगर वो अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो फिर आप जो है आईटीपी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ACCA आप स्टूडेंट हैं और ACCA आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ACCA फाइनलिस्ट हैं, तब भी आप जो है आईटीपी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन से अगर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कुछ क्वालिफिकेशन हैं जिसको आपने इन इन सब में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना मैंडेटरी है आईटीपी के लाइसेंस के लिए। अच्छा, क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए टैक्स का, वो भी एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो, किसी टैक्स फर्म का हो या कहीं आपने किसी कंपनी में एज अ टैक्स असिस्टेंट इंटर्नशिप की हो, तो आपके पास जो है टैक्स का ऑलमोस्ट 1 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, जो आप अपनी अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है उसको अटैच करके आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये दो प्री रिक्विजिट है, क्वालिफिकेशन एंड अदर वन इज 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम। थर्ड वन इज कि वहां पे आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करवाने, सिंपल सी एप्लीकेशन आपने ड्राफ्ट करनी है कि मैं आईटीबी के लिए जो है अप्लाई कर रहा हूँ, और एक एफिडेविट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। वो एफिडेविट आपने 100 रुपीज वाला स्टैम्प पेपर पे आपने प्रिंट करना है, तो
साइन करना है अपने जो भी क्वालिफिकेशन के प्रूफ हैं और आपके जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है लेटर, वो अपने कॉपीज अटैच करके आई गेस ऑलमोस्ट 500 रुपये का चालान है इसका, वो आपने जमा करवा देना है FBR में। वहाँ जब आप जमा करवा देंगे तो फिर आपका जो है इंटरव्यू जो है अलाइन हो जाएगा, स्केड्यूल हो जाएगा, और जो कमिश्नर है वो आपका इंटरव्यू जो है कंडक्ट करेंगे, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अवार्ड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली ITP लाइसेंस को एक्वायर करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपने फॉलो करना है। वीवो वन टाइम आपको फीस देके लाइफ टाइम के लिए आपको ग्रांट कर देते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं एज सच करना रिन्यूअल के लिए। नहीं नो, नो, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, यू जस्ट हैव वन क्वालिफिकेशन अमंग दीज। इफ यू हैव बीकॉम यू कैन अप्लाई फॉर ITP, इफ यू हैव एमकॉम यू कैन अप्लाई फॉर इट, इफ यू हैवन डन बीकॉम यू हैव जस्ट एमबीए डिग्री यू कैन डू इट। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव लॉ डिग्री या एनी अदर लॉ कोर्स टू अप्लाई फॉर ITP। सो इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन दैट इज मेंशन इन द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन यू कैन अप्लाई फॉर इट, राइट? कर सकते हैं सर आप उसके लिए मना नहीं करूंगा मैं आपको, आप लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली टैक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। टैक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सर, फिर भी मैं इसमें आपको इनक्रेज ये करूंगा कि आप अप्लाई कर दें, ठीक है? और जब आप ये कोर्स करके जब आप उसके साथ अटैच करेंगे ना इसका सर्टिफिकेट, तो वो भी जो है आपको इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, ठीक है? देखें, ITP जब आप अप्लाई करते हैं जब आपने खुद अपनी फॉर्म रन करनी होती है, या आप एज अ फ्रीलांसर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही है, तब आपको ITP। देखिए एक होता है बाय लॉ चीज, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मार्केट में प्रैक्टिस ऐसी है कि जो है लोग जो है ऐसे ही बैठे हैं और विदाउट एनी लाइसेंस जो है काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर काम करना चाहती हैं और आप ये चाहती हैं कि इन द नियर फ्यूचर कोई आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन ना करे, तो आपके पास ये एटलीस्ट होना जरूरी है, ठीक है? लेकिन इसके बगैर भी आप जो है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो आप इसको बिल्कुल सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है? और इस फील्ड के अंदर क्लाइंट्स का सबसे बड़ा जो सिनेरियो ये है, तो वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे थे, सर आप क्या हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप क्या हैं, ACC आपने किया हुआ है, तो आप जब भी बोलेंगी कि मेरे पास ITP के लाइसेंस है, आई एम लाइसेंस्ड टैक्स प्रैक्टिशनर, तो एक आपकी वर्थ होगी, एक क्रेडिबिलिटी होगी कि आपने ये चीज़ क्लियर की। दूसरी चीज आप इंटरव्यू देके क्लियर करके वहां पे आप ये प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है? तो अभी ड्यू प्रोसेस से गुजरी होंगी आप। अच्छा जी, ये हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो तो बेसिकली हमने एक उसको ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था कि हमने क्या क्या करना है, और वो मैं आपको वर्बली भी बता चुका हूँ तो कैसे हमने करना है। ये तकरीबन जो है हमारा जो कॉर्पोरेट लॉ का जो कोर्स है, जो टॉपिक्स हैं, ये 1 to 8 लेक्चर्स पे कंप्राइज होगा, और इसमें जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्मेशन और बेसिक अकाउंटिंग को, तो मैं अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखता हूँ कि मुझे लगता है कि अब ये नीड है पढ़ाने की, तो मैं इसको शफल कर देता हूँ, ठीक है? एज पर द नीड, या जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे वो शफल कर देनी पड़ती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बेसिक अकाउंटिंग कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग हम इनकम टैक्स के साथ ही पढ़ेंगे, राइट? उसके साथ साथ इनकम टैक्स मैं आपको बता चुका हूँ हम लोग क्या क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और आपके जो जिसके अंदर टैक्स रिडक्शन हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं और टैक्स क्रेडिट्स हैं, रिबेट्स हैं, वो हमने पढ़ने हैं, आपके विदहोल्डिंग के प्रोविजन हैं, एडवांस एडवांस टैक्स के प्रोविजन हैं, ये बेसिकली बिजनेस टैक्सेशन से रिलेटेड है, वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। जो 5 हेड्स हैं हमारे पास वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और वही जो आपकी रिटर्न असेसमेंट अपील्स और ये नोटिस हैं वो आपने कैसे कैटर करना है वो हम इसमें देखेंगे। इसी तरीके से सेल्स टैक्स हैं जो ऑलमोस्ट 1 से 8 लेक्चर्स में ही वेरी करता है, उस सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास डिफरेंट शेड्यूल्स हैं,
कुछ हमारे स्टैंडर्ड आइटम्स हैं, कुछ हमारे रिड्यूस रेट के आइटम्स हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड शेड्यूल्स हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे कि वो गुड्स कहाँ कहाँ पर है, राइट। और इसके भी सेल्स टैक्स के भी कुछ विदहोल्डिंग टैक्स के प्रोविजन हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन विदहोल्डिंग एजेंट है और विदहोल्डिंग टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है और कब आपने जो है उसकी पेमेंट करनी है। एंड लास्ट हमने वही सेल्स टैक्स रिटर्न की जो असेसमेंट्स हैं, अपील्स हैं, नोटिसेज हैं, उनका कैसे हमने रिप्लाई करना है और क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना मैंडेटरी है। अच्छा, ट्रेडमार्क जो है हमारे पास, उसमें अभी मैं आपको बता चुका हूँ आईपी लॉज है। आईपी लॉज में आपने टीएम की रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन एंड पेटेंट की रजिस्ट्रेशन वो आपने देखनी है कि वो आपने कैसे करनी है, कैसे होगी, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या लॉज को जो है बैक करता है, वो सब आप इस चीज के अंदर पढ़ेंगे। एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो है वो रजिस्ट्रेशन हम जो इसमें पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आपका ये जो वर्बली मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था इसी स्लाइड में, तो आप इसको बेसिकली देख सकते हैं। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन जो है हैंड रेस करें एंड प्लीज पूछें। जी, उसका बिल्कुल एसआरबी तो मैं आपको बता दूंगा और केपी के पीआरए वगैरह सब चीज का मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सेम है, इसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब सेम ही है। देखिए जी, कोर्स आप अभी स्टार्ट करें, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, देखिए एक्सपीरियंस तो लेना जरूरी है आपको। एक्सपीरियंस के लिए ये भी है कि अगर आप कोर्स कर लेते हैं और अगर आपका कोई टैक्स प्रिपेरिटी में जानने वाला है तो आप थोड़ा बहुत एक आध महीना उनके साथ काम करके तो आप एक्सपीरियंस लेटर उनसे इशू करवा सकते हैं फॉर अबाउट 1 ईयर। तो ये तो फिर डिपेंड करता है ना कि अगर आपका कोई इस तरीके से टैक्स प्रिपेरिटी में है तो आप उनसे जो है ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास कंप्लीट होगी, चाहे वो अगर मैं बुक नॉलेज की बात करूँ या मैं आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूं, तो आपको जस्ट एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं सर, देते, कहते हैं आप आए एक आध महीने इंटर्नशिप करें, हम आपको एवेल्युएट करेंगे, उसके बाद हम आपको ये दे देंगे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, उसके अच्छा सर, अकॉर्डिंग। अगर कोई सर ये अगर कोई जानने वाला ना हो तो सर उसके लिए फिर आपके पास एक्सपीरियंस जरूरी है, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बगैर वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, प्री रिक्विजिट मैंने आपको बता दिया, राइट। तो वो आपके पास होना जरूरी है। अच्छा जी, मोहम्मद खालिद साहब, आपने हैंड रेस किया, प्लीज क्वेश्चन बताएं अपना। जी सर, मैं चाह रहा हूँ कि इसको दोबारा से हम, अगर आप चाहें तो मैं सर चाह रहा आपकी हूँ। आवाज थोड़ी सी यहाँ पे सही नहीं आ रही, अगर आप प्लीज इसको टाइप करके लिख दें, मैं आंसर कर देता हूँ। जी प्लीज प्लीज श्योर। जिनके भी क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के, वो प्लीज टाइप करके मुझे यहाँ मैसेज में लिख दें, मैं वन बाय वन आपकी क्वेरीज को जो है रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। यहाँ पर किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, लॉयर सॉरी सर, टू कभी नो 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 नो, यू डोंट नीड टू बी अ लॉयर। जी जी बिल्कुल, आपको प्रोवाइड कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आईआरएस बेसिकली एफबीआर का पोर्टल है जिसपे आप अपने जो रिटर्न है वो फाइल करते हैं, राइट। वो आपको रेप्लिका दिया जाएगा ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें जो आप पढ़ रहे हैं, और उस पर आप अच्छी अपनी ग्रिप जो है हासिल कर सकें, तो वो आपको बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। जी सर, एक सर बिल्कुल एडवाइस दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिस्कस कर लीजिएगा जो भी आपके नोटिसेज वगैरह हैं, और मैं आपको जनरल जो गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने कैसे करना, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में, सर बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि वहाँ पे भी सारे जो मामले आते हैं टैक्सेशन के चीज़ों के वो डिफरेंट हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी आप बिल्कुल एज ए टैक्स पेनी वहाँ पे जा सकते हैं कोर्स के साथ, अगर आपके पास वो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है बैंक जो है वो नॉर्मली उनको मिनिमम ग्रेजुएट तो चाहिए होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट चाहिए होते हैं या ACCA फाइनलिस्ट चाहिए होते हैं उनको, या सर सीनियर अस्सलाम आपके वालेकुम सर, अगर मोहम्मद बहुत खालिद अच्छा बात आपसे किया हुआ बातचीत तो हूँ। वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस देखिए, कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो कहीं आपको, वो बेसिकली किसी यूनिवर्सिटी की या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डिग्री नहीं है, वो जैसे एक एंडोर्समेंट है कि आपने यहाँ पे एक रेलिवेंट आवर्स आपने यहाँ पे दिए हैं, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग की है,
और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, उसके अगेंस्ट आपको जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया, राइट। सर्टिफिकेट आपको इंश्योर नहीं करता कि आप ये सर्टिफिकेट शो करेंगे और आपको बोलेंगे जी हाँ आज आप टैक्स मैनेजर की पोस्ट पर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग आपको दी जा रही है आपको केपेबल बनाने के लिए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं यहाँ पे आपको 80-90% चीजें बता दूंगा, लेकिन फर्दर कुछ चीजें जो है आपने खुद करनी है। हेलो, आप ये समझे सर, प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पर आपको जो समझा रहे हैं बस ये आपने सीख लिया। जब तक आप टैक्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टैक्स कभी भी आपकी टिप्स पे नहीं आएगा। कोई भी लॉ अगर आपने फैमिली लॉ में प्रैक्टिस करना है, सिविल में सॉरी क्रिमिनल प्रैक्टिस करना है, या टैक्स आपने प्रैक्टिस करना है, बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस करना है, तो आपको जो है लॉ पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। जब तक प्रोविजंस आपकी टिप पर नहीं होंगी आप जो है फिर आगे नहीं कर सकते। तो मेरी मेहनत ये है कि मैंने आपको नॉलेज डिलीवर करनी है, और आपकी मेहनत ये है कि आपने उस नॉलेज को अपने माइंड में रिटेन कैसे करना है। तो यू हैव टू रिटेन द नॉलेज, और लॉ की नॉलेज जो है वो यू वाइप होती है। आप यहाँ से क्लास लेके निकले आप नेक्स्ट डे भूल जाएंगे, जब तक आप लॉ को उस प्रोविजन को पढ़ेंगे नहीं। कैलकुलेशन तो यहाँ पे बड़ी ईजी, आप देख लेंगे सिस्टम में अपलोड कैसे करना है, लेकिन वो लॉ क्या है, उसका सेक्शन क्या है, वो किस शेड्यूल में लिखी हुई है बात, किस चैप्टर में लिखी हुई है बात, जब आपको रेफर करना है तो आपको पता हो ये अगर ये मुझसे बात करें इस चैप्टर में लिखी हुई है, आपने फॉरन ऑर्डिनेंस खोला आपने उसको रेफर कर लिया, ऐसे आपके पास जो है टिप्स होना चाहिए। और आप जब उसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तभी आपके पास ये नॉलेज आपको मिलेगी। तो मेरे से ज्यादा आपने मेहनत करनी है, ठीक है। मर्केंटाइल नहीं मर्केंटाइल लॉ से सुनी है इसके लिए जी। हेलो, जी हाँ बिल्कुल सर, आपको बताएंगे कैसे आपने भरना है उसको, और आपको गाइड बुक भी मैं एक जो है रिकमेंड कर दूंगा, आप वो गाइड बुक भी परचेज कीजिएगा। क्योंकि देखिए ऑर्डिनेंस से लॉ को पढ़ना इज डिफिकल्ट, गाइड बुक में आपको वो लॉ भी समराइज वे में लिखा हुआ मिलेगा और उस पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, जब आप वहां उसको अलैकुम सर। पढ़ेंगे तो वो आपको जो है इजिली आप उसको जो है सारी चीजें जो आपको समझ आ जाएंगी। तो खालिद साहब, वेट फॉर अ मैं वाइल, आपको आज मुझे 8-10 साल क्यूरीज की नहीं प्रैक्टिस के चाहिए, बाद भी जस्ट हर वेट फॉर अ सक्सेसफुल वाइल। होने के बाद पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिवाइज करना फ्रॉम द गाइड बुक, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइलिंग्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपके सामने कोई किसी भी किस्म का केस आ सकता है। तो उस चीज को रिवाइज करना और गाइड बुक आप समझते हैं कि आपने साथ लेके घूमनी है, या लॉ बेयर लॉ आपने साथ लेके घूमनी, चाहे आप अपने किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, बेयर लॉ तो आपका समझे ये आप आपका लाइफ टाइम साथी है, ये आपके पास टेबल पे भी होगी जब आप काम कर रहे होंगे, जब आप किसी को एडवाइस कर रहे होंगे तो ये आपके पास होंगी। जब तक आप लॉ पढ़ने की आदत नहीं बनाएंगे तब तक लॉ आपको नहीं समझ में आएगा, तो लॉ पढ़ पढ़ के समझ में आ जाए। लॉ का जो सबसे जो मेन चीज है, लॉ कभी भी एक साथ पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू ब्रेक द सेक्शन, आप पहले एक 4-5 वर्ड्स को आप इसको डायसेक्ट करें, फिर नेक्स्ट 5-6 वर्ड्स को आप डायसेक्ट करें, जब आप वो पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा लॉ समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। लॉ पढ़ने का तरीके ये है कि आप उस सेक्शन को डिवाइड कर लें, राइट। अच्छा जी, कुछ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, ऑनलाइन में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेज कीजिए, आपके क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। खालिद साहब जो है वो आप कर रहे थे कोई क्वेश्चन। खालिद साहब, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं 32 ईयर्स का और गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। एक्चुअली मैं मूव करना चाह रहा था एब्रॉड, तो मैं चाह रहा था इस कोर्स को अगर किया जा सकता है तो क्या ये कनाडा और अमेरिका में मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल साबित होगा या नहीं। और दूसरा ये कि मैंने बैचलर इन साइंस किया हुआ है, तो ये इस सर्टिफिकेट का हसूल तो फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आमिर इसकी साहब, अगर आपको एलिजिबिलिटी जो आवाज सर। वहां पे सही आ रही है तो प्लीज आप इसको शेर रिस्पॉन्ड मैं रिस्पॉन्ड कर कर सकते देता हूँ। जी शही भाई, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सर खालिद भाई, ये तो देखिए, टैक्स जो होता है उसकी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है। दो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हैं। सिमिलर अच्छा जी, होते एक हैं, हारिस लेकिन साहब ने क्वेश्चन किया कि जी हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट आईटीपी सर्टिफिकेट। तो ठीक है, तो आईटीपी खालिद सर्टिफिकेट साहब जैसे ही इसमें आपका शेड्यूल इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको लाइसेंस अवार्ड कर दिया जाएगा, तो शही भाई, उसका आप कोई मुझे जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर।
सर एक मैं खालिद साहब का क्वेश्चन एड्रेस कर रहा था, जी जी बोलिए। एड्रेस कर मैं खालिद साहब, ये आप अगर कनाडा या यूएसए मूव करना चाह रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से वो कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, ठीक है। आप फिर वो वाला स्किल सेट लेके जाइए, ये जो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स है डेफिनेटली इसकी तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ठीक है ये पाकिस्तान में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बाहर जो है वो उसकी अफादियत नहीं होगी। सो इन दैट ठीक केस है आप जो है वो हमारा इंटरनेशनल में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आप कैनेडियन टैक्सेशन ऑप्ट कर लें, और अगर आपका इरादा यूएसए जाने का है तो इन दैट केस आप जो है वो यूएसए टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं, वो हम ऑफर करते हैं। ठीक है तो फिर इसकी जो तफसीलात है वो आपके इंस्टीट्यूट में आके मैं नहीं सर, ले सकता हूँ या फिर आप ऑनलाइन मुझे क्लास जी, ऑनलाइन। आपका किसी का कोई ऑनलाइन क्वेश्चन? है सर। ठीक है तो ठीक है फिर मैं आपसे रब्ता करता हूँ एज सून एज पॉसिबल फॉर दैट जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिलीवर। खालिद साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आमिर, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ख्याल में मैं भी कॉल सेंटर कर रहा हूँ अबाउट कनाडा और यूएसए, तो मैं इस हवाले से आपसे ज़्यादा ये जो लोकल टैक्सेशन है, मैं खुद भी लॉयर भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोकल टैक्सेशन की नो हाउ हो जाए, और मैं यूएसए और कनाडा दोनों को ही ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। उसके लिए प्लीज़ जो आपका ऑफिस है, कनेक्टिंग ऑफिस है, उनको गाइड कीजिएगा कि मैं कैसे आगे जा सकता हूँ। तो मेरे नाम को उनका पता है तो बताइएगा कि मैं कैसे इन दोनों को, मैं चाह रहा हूँ दोनों को इकट्ठा ही और शॉर्ट टर्म में उनसे आपसे रब्ता लेके उनको कवर किया जा सके, रिवीजन भी हो जाए और मेरे काम भी अच्छा हो जाए, तो काइंडली मेरे उससे गाइड कीजिएगा। जी ठीक है आमिर साहब, आमिर साहब योर क्वेश्चन मैंने नोट जी कर लिया। आमिर साहब आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल, आपको जो रेलिवेंट आपका कोऑर्डिनेटर है मैं उनको कह दूंगा, वो आपको कैनेडियन और यूएस टैक्सेशन की डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। जी प्लीज मैं उसमें आगे बढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी सोच श्योर ये है श्योर कि सर, यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज। आप चूंकि कॉल सेंटर कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और इन दोज कोर्सेज हम जो है वो ये सारी चीजें भी गाइड करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दी जाती हैं मुझे जो भी एक्सपेंसेस हैं नो इशू सर, मुझे, वो आपका और भी रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर आपको बता देगा। जी ठीक है, सो नाइस ऑफ दिस यू, इज, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यू। सर। शहीर आप इसको कंटिन्यू कर लें, ऑनलाइन वालों के क्वेश्चन हम थोड़ी देर तक ले लेते हैं। लाइक अगर फिजिकल वालों के क्वेश्चंस आप पहले ले लें। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? शहीर भाई अच्छा ठीक है जी, ऑनलाइन में और किसी का कोई क्वेश्चन है? वो वहां करते मिलते गए जी। अच्छा जी, तो व्हाट आई वाज सेइंग सर, कि जब हम वहां पे वो टॉपिक पढ़ेंगे तो पाकिस्तान ने कुछ टैक्स ट्रीटीज जो है वो साइन की हुई है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। ऑब्वियसली जब आपने वहाँ टैक्स पे कर दिया, आप यहाँ क्यों पे करेंगे? उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, हमने कैसे उसको वहाँ पे शो करना है, हम सब इस चीज में इसको देखेंगे, और ये बड़ा इनिशियली ही हम चीजों को देख लेंगे ताकि आपके जो क्यूरीज है वो रिजोल्व हो जाए, राइट? इट्स वेरी सिंपल कि आपने एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया और आप यहाँ पे वो अगर पेमेंट लेकर आ रहे हैं तो आप डबल टैक्स क्यों देंगे? इसीलिए टैक्स ट्रीटी साइन की गई है ताकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके, राइट? देखिए दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का, हमें वो देखना पड़ेगा वो सारी चीजें। देखिए अगर तो वो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि किसी यूएस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, रिमोट जॉब है और वो पर्सन खुद यहीं पर है, लेकिन अपना भी अगर सेटल है और अगर वहां पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, वहां पे आपने कोई एसेट खरीदा है वो, तो दैट्स नॉट एन इशू। यहाँ पे फिर उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए इसमें एक चीज ये होता है कि जब आपका कोई फॉरेन एसेट होता है तो वो आपको डिक्लेयर करना जरूरी है, डिक्लेयर करना। यहाँ यहाँ पर जब ट्रांसफर होगी तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल। देखिए अगर आपने मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे एसेट को डिक्लेयर किया हुआ, लेट सपोज अगर मैं बात करूँ एक बिजनेस की, कि आपने यूएस में एक बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज $10,000, राइट? आपने 2 साल काम किया, तो आपने प्रॉफिट अक्रू किया, और अब आपने क्या किया कि आपने जब आपने प्रॉफिट
कर लिया, आपने कहा जी मैं $20,000 और इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसका वहीं से जो बढ़ गया जो बढ़ गया उसी की बात बता रहा हूँ ना। लेट्स सपोज आपके जो वहां पे प्रॉफिट आपके पास आया, आप वहीं पे कहीं से प्रॉफिट लेके आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप यहाँ पर भी शो करेंगी वो $20,000? यहाँ पे शो करेंगे उस पे यहाँ नहीं टैक्स नहीं नहीं वहां पे नहीं होगा, नहीं। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट कि आपके फॉरेन एसेट्स क्या है। अगर आप इनकम वहां से यहाँ लेकर आ रही है तो फिर एक डिफरेंट चैनल है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। इनकम यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही, दैट इज द क्वेश्चन। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे जितने लोग, काफी सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, उन्होंने यूएस में कंपनीज को इनकॉर्पोरेट कराई हुई, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली वहीं पे कंपनीज जो काम कर रही हैं, वहीं पे एम्प्लॉयज हैं, वहीं पे पेमेंट जा रही है, और वहीं पे प्रॉफिट वो लोग ले रहे हैं, और पाकिस्तान में उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। वो बेसिकली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो वो जो है वहीं पे पेमेंट किसी को दे देते हैं और पीकेआर में यहाँ से किसी से ले लेते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो है, राइट। तो वो सारा सिनेरियो वहां पे यूएस टैक्सेशन का ही चलेगा, उससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि वो पैसे वहां से यहाँ रेमिट ना हो ये गल्फ कंट्रीज के लिए जी, गल्फ कंट्रीज के लिए। सर और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, देखें मैं जो हूँ ना, जो आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें मैं यहाँ पे एक बिल्कुल जो है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल जो है परफॉर्म करके बता देता हूँ। लेकिन अगर जहाँ तक जहाँ मुझे लगता है कि क्लास को थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो भेज देता हूँ कि आप इसको देख लें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देन मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई मसला, आप कहते हैं कि हमें क्वेश्चन दे दें, तो मैं भी आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूँ। सर एक्सरसाइज के लिए तो बुक्स वगैरह था ना, वो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एडवांस टैक्सेशन बाय खालिद पेटी वाला, सीए, एडवांस टैक्सेशन बाय खालिद पेटी वाला, वो बेसिकली बुक है सीए का, जो एडवांस टैक्सेशन का पेपर है उसके लिए, उसके अंदर क्वेश्चन सब है और सॉल्यूशन भी है, खालिद पेटी वाला ऑथर है, खालिद पेटी वाला, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। जी, सब सब कवर होगा सर, उसमें आपके टॉपिक्स भी हैं, उनकी प्रोविजंस भी हैं, उनकी उनपे नोट्स भी हैं, और साथ साथ आपके पास एमसीक्यूज एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स भी, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, गाइड बुक भी है ये, आप ये भी परचेज कर सकते हैं। हुजैमा इकराम की भी एक बुक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे, बाय हुजैमा इकराम, आप वो भी परचेज कर सकती हैं। मैं दो तीन बुक्स और भी ग्रुप में जो है वो बता दूंगा, तो आप वो परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर कुछ आता है कि जी मैं बेसिक टैक्सेशन सीख लूँ, तो फिर उसके लिए खालिद पेटी वाले की बेसिक टैक्सेशन की भी आती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। इनिशियली आप पहले उसको देख लें, एंड देन उसके साथ साथ आप एडवांस टैक्सेशन बेच लें। लेकिन हम जो कवर करेंगे वो बेसिक टू एडवांस ही करेंगे, राइट। जी सर, यस सर, डेफिनेटली आई विल सेंड यू द पीपीटीज अलोंग विद द रेलेवेंट मटेरियल, आई विल सेंड इट टू यू आफ्टर क्लास, इंशाल्लाह आफ्टर एवरी क्लास आई विल सेंड इट टू यू। वीडियोस जो है दैट विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल, उसका आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, आप वहां से जो है उसको पोर्टल पे एक्सेस करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपके पास अवेलेबल होगा, और गाइड बुक भी मैंने अब आपको बता दिए, और ट्रेनिंग मैं यहाँ पे आपको दूंगा इंशाल्लाह। जब ये तीन चार चीजें आप कलेक्टिवली आप इसको देखेंगे, इंशाल्लाह काफी सारी चीजें आप जो है इसमें सीख जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, इस वक्त अकाउंटिंग बैकग्राउंड से कौन कौन लोग हैं? सही। और लॉयर कौन है यहाँ पे जिन्होंने एलएलबी किया वो कंप्लीट? सही। तो जी प्लीज, आपने हैंड रेस किया है, इन्फिनिक्स, आप क्वेश्चन पूछें प्लीज, या टाइप कर दें।
जो अकाउंटिंग वाले हजरात हैं उनसे थोड़ी सी गुजारिश होगी, जब हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको सब्र का शो करना पड़ेगा पेशेंस, जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से लोग हैं उनके लिए, लेकिन इंशाल्लाह एक ही क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे। तो होती है देखें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, 8 से 10 साल तो मुझे हो गया प्रैक्टिस करते हुए, बुक की जरूरत फिर भी पड़ती है मुझे। आप 242 सेक्शंस हैं, आप कैसे याद रखेंगे, और उसके बाद डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, और कंपनीज एक्ट के तो तकरीबन 500 समथिंग सेक्शंस हैं, 500 समथिंग सेक्शंस हैं, कैसे याद करेंगे आप। तो देखिए जो आईटीपी का जो इंटरव्यू होता है ना, वो बेसिकली ऑब्वियसली नॉलेज बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड होता है वो, वहाँ का आपसे डिफरेंट आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, एंड देन जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछेंगे, क्या है सिनेरियो है, सिनेरियो बेस्ड भी पूछ सकते हैं, स्ट्रेट लॉ भी पूछ सकते हैं। तो लोग जो है ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं, लाइक सिंपल सिंपल सी चीज़ें पढ़ ली कि ये हेड्स हैं ये सारी चीज़ें, बट ऐसा नहीं होता। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो आप समझ लें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीए का पेपर दे रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसे ऐसे भी इंटरव्यूज आ जाते, तो अलहमदुल्ला मैंने क्लियर कर लिया था। और समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कुछ हमारे फ्रेटर्निटी में ऐसे लोग हैं जिनसे बड़े बेसिक सवाल करके कि ठीक है तो इट डिपेंड्स कि जो आपका इंटरव्यू बंदा ले रहा है वो किस मूड में है। तो ये सिनेरियो है। मैडम मैं आपसे सवाल पे देखिए, जब मैंने आईटीपी के लिए अप्लाई किया था ना तो मेरी ये इंटेंशन थी कि मैंने इंटरव्यू खुद क्लियर करना, तो जब आपकी इंटेंशन होगी तो फिर आपके लिए हर्डल्स नहीं आएंगे वहां पे, वो कोई हर्डल्स क्रिएट करेगा भी नहीं आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली अप्रोच ही लेके जाएंगे तो बंदा ढूंढ के करवाने के लिए, अच्छा इस लाइसेंस के लिए मैं आपको अपना प्रैक्टिकली बताऊं, मुझे एक बंदे ने वहां पे ऑफर किया, मैं आपको 1 लाख रुपए में करवा के दे देता हूँ लाइसेंस। अब आप बताएं, मैंने कहा मैं अपने आपसे सवाल करूं कि मैंने ये इतना पढ़ा है और मैंने प्रैक्टिस सब की है, 1.5-2 साल के बाद मैंने लिया था ये, तो मैंने कहा फिर तो फायदा नहीं है अगर मैं इनको पैसे दे दूं। अगर मैं अपने आप को तो चेक करूं कि मैं कहां पर खड़ा हूं, तो मैं अलहमदुल्ला गया, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया। 500 रुपीज का चलान है सर, और बाकी 99,500 जो है ऊपर की फीस जी आप दे सकते हो, कुछ ऐसे लॉ में कि लिखा हुआ नहीं कि आप इतनी अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन आप इतनी ना दीजिएगा कि कमिश्नर साहब बोले कि सर आप अगली बार आइएगा, वो इतने टाइम पे जाए प्रिपेयर होके जाए। अगर आपने लेट सपोज आज दिया आपने इंटरव्यू, आप एटलीस्ट 2-3 महीने के बाद जो दोबारा या 1 महीने के बाद अप्लाई करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से नॉलेज के साथ तैयारी करके जाइए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, दैट्स इट। अच्छा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में किसी का कोई क्वेश्चन? ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर है, ये जो मैंने आपको बताई ऑडिशन? जी गुलबानो प्लीज बताएं क्या आपका क्वेश्चन है। जी, आप बोले अरसलान साहब। अरसलान साहब आपका क्या क्वेश्चन है? आप अपना क्वेश्चन कर लें। अरसलान कायम खानी। आई थिंक सो उन्होंने अपना स्पीकर बंद किया। और किसी का ऑनलाइन में से क्वेश्चन है? सर काइंडली सजेस्ट फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस विच इज मोर इफेक्टिव। सर देखिए क्लासेस जो है, जो मेथड ऑफ लर्निंग है वो दोनों ही इफेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक रूम में बैठ के भी किसी पे बैठ के सीए का पेपर क्लियर कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें क्लासरूम में पूरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है,
हम जो है क्लासरूम के बगैर या फिजिकली टीचर या ट्रेनर हमारे सामने प्रेजेंट ना हो तो हमें समझ में नहीं आता। इट डिपेंड्स अपॉन यू इफेक्टिव की अगर बात की जाए, एफिशिएंसी की बात की जाए, तो दोनों इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है, राइट? ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी अडेप्टेबिलिटी लेवल क्या है, कि आप जब पढ़ते हैं तो आपका फोकस पीसी पे ज्यादा मेंटेन रहता है ऑनलाइन लेते वक्त, या आप फिजिकली जब प्रेजेंट होते हैं क्लास में तब होता है। तो ये इसका आंसर आपके पास ही होगा। लेकिन जहां तक इफेक्टिव की बात है, और चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लें या आप फिजिकल क्लासेस लें, इफेक्टिव दोनों है। जो क्लास यहीं पे चल रही होगी वही ऑनलाइन आपको लाइव जो है शो हो रही होगी और आप क्लास ले रही होंगी, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका फोकस, आपकी अटेंशन कहाँ पर ज्यादा जो है डेवलप होती है, फिजिकली या फिर आप जो है ऑनलाइन अगर क्लास ले रही हैं तब। इट्स अप टू यू। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो पूजा का जी सर, सर ये तो है, थोड़ा सा आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि निकालने को, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, पूरा हाथी निकाल देते हैं, और पकड़ने को अगर उन्होंने पकड़ना है तो दुम भी पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप गलत रास्ते से गए और आपकी दुम पकड़ी गई है, तो फिर वो आपके पिछली सारी पास हिस्ट्री खोल देंगे। आपको स्टार्टिंग में तकलीफ होती है कि आप जो है आप लोगों को देखते हैं कि जी ये तो ऐसे कर रहे हैं और सही चल रहे हैं, लेकिन जब वो फंसते हैं आगे जाके कहीं भी किसी जगह पर स्टक होते हैं, तो फिर उनके जितने भी सारे पिछले हैं वो किताब उनकी खुल जाती है, ठीक अरे है? और जो बंदा सही चल रहा होता है तो उसके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि मैंने पीछे भी सारे काम सही किए हैं, अभी भी सही किए हैं, और फिर बंदा फाइट करता है। तो हमेशा दो ही रास्ते हैं सर, सही और गलत। तो एज अ एडवाइजर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है सही वाले रास्ते पे ही जाइए। लाइक ओके लास्ट ईयर देन वो मैं लॉजिक करवाया था एंड समहाउ फिर फिर लाइक उसकी सारी चीजें बंद हो गई। वो कहता है तुमने लास्ट ईयर नहीं किया है तो मेरा फाइनल हुआ था, क्या वो मोबाइल क्वालिटी के बात को नहीं तो और इसको तो है अगर नहीं बात तो मेरा सब कुछ चल रहा है जिससे डिसाइड जो सब कुछ जो लीगली जा रहा था इसका बंद कर दिया। सर, जो ये एज फार एज इट कंसर्न विद द मोबाइल फोन ब्लॉकेज एंड समथिंग, तो इसलिए इस दफा हो रही है क्योंकि जिन्होंने टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न फाइल नहीं किया ना, तो उन लोगों के जो है वो सेलफोन जो नंबर जो है वो बंद किए जाए। तो बैंक अगर बैंक अकाउंट भी बंद हुआ तो इट मीन्स उनका कोई नोटिस हुआ है रिकवरी का, रिकवरी का नोटिस है, कोई कोई लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी जो कि उन्होंने पे करनी है। दैट इज वाई FBR ने या कमिश्नर ने बैंक को डायरेक्ट किया है कि आप इनके अकाउंट फ्रीज कर दें, सही है? उसके लिए ही हैज टू विजिट रेलेवेंट कमिश्नर और सारी चीजें देखनी पड़ेंगी क्या इशू है, राइट? अच्छा जी, और किसी के क्वेश्चन ऑनलाइन या यहाँ पर जो अवेलेबल है हमारे स्टूडेंट्स? जी आमिर साहब, प्लीज एडवाइस क्या किया जाए? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोले। जी हेलो जी आवाज आ रही, प्लीज बोले। जी सर, सलमान बात कर रहा हूँ।
अच्छा, मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि इसके अंदर से जो आप लोग ये क्लासेस वगैरह इनकम टैक्स और सर आपकी सेल्स के आवाज हवाले मुझे से, सही नहीं आ रही, प्लीज आप टाइप कर सकते हैं क्या? सर आवाज आ रही है? नहीं मेरे स्पीकर में आगे थोड़ा सा इशू, आप प्लीज टाइप जी आई करें। कैन हियर यू शहीर भाई, मैं देख जी बताइए जी, अरसलान हमें भाई जी। प्लीज। जी सर, अच्छा मुझे ये पता करना था कि एक तो आप लोग जो ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स की क्लासेस वगैरह जो होंगी इसके अंदर, इसमें जी इनकम टैक्स के जो अगर कोई नोटिस वगैरह आते हैं उसकी जो प्रिपरेशन वगैरह होंगी सेल टैक्स की और इनकम टैक्स के हवाले से, इन दोनों के हवाले से जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाना होगा उसका, उसकी जो फाइलिंग की प्रिपरेशन वगैरह और ये सब चीज़ें भी, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा जो आप लोग सिखाएंगे? सर, इसके अंदर बेसिक नोटिस जो हैं वो आपको बताया जाएगा कि उनको आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है टू द रीजनेबल एक्सटेंट। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आए और उसका रिप्लाई हम आपको ड्राफ्ट करके दें। हाँ, हम उसमें आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई आपके नोटिस आया हुआ है, आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसको आपने रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, कंसिडरिंग ऑल दी सर्कमस्टांसेस, एविडेंस जो भी होंगे, ठीक है, जिसमें वो नोटिस आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आया होगा, उसमें हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नहीं मैं नोटिस के हवाले से बात नहीं कर रहा कि नोटिस आया हुआ है मेरे पास, क्योंकि आप जी बेसिकली जो चीज़ें वगैरह जो नोटिस वगैरह अगर आते हैं किसी के पास भी या कोई भी एक डिपार्टमेंटल क्यूरी, आप लोगों के पास तो ये स्टडी इसकी है ना, तो आप लोग तो इस पे गाइडेंस वगैरह दे सकते हैं क्या नहीं, कि हम अगर वो गाइडेंस इनकम तो टैक्स मैं में वो गाइडेंस तो हम देंगे। मैंने आपको पहले कहा कि इसमें बेसिक मतलब जिस नोटिस तरीके डिस्कस से, होंगे। तो जिस तरीके से सेल टैक्स का अगर ऑडिट आ जाता है किसी कंपनी के अंदर, तो जी उसकी जो कमिश्नर को फाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो करने की, उसकी पैटर्न्स, उसका व्यू जो चीजें हैं वो भी इसमें गाइड किया जाएगा या वो उसको खुद से फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ चीजों में तो नोटिस के अंदर वो मेंशन करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स हमें देने हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के अंदर भी आप लोग हेल्प आउट करते हैं कि भाई हाँ हम लोग कोई पॉइंट्स उसके सेटल डाउन होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की फाइलिंग के हवाले से अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे प्रेजेंट करना है तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और सर, इसका उसको मैंने एक्सप्लेन। अरसलान इसका मैंने ऑलरेडी आपको आंसर किया है। देखिए, जो हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर शामिल है, आउटलाइन आपके साथ डिस्कस की गई है, वो तो हम करेंगे, ठीक है। इन ठीक केस है अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्यूरी आती है, आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस के ही कंप्लाइंस देखना चाहते हैं, आपको कोई नोटिस इश्यू होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, वो आप हमसे जी, डिस्कस कर सकते हैं। उसमें हम आपको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपने डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। होप योर बिल्कुल क्वेश्चन इज एड्रेस्ड। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। हारिस अली, यू हैव रेज हैंड, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी हारिस, आपको आवाज आ रही है? हारिस भाई, आपको आवाज आ रही है? हारिस अली, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। जी मिस्टर MRK, आपने अभी अनम्यूट किया था, आपका कोई क्वेश्चन है? आई गेस आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अज्यूम करते हुए, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर चुका हूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आई एम हियर टू एड्रेस। अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसकी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होंगी, और आपकी क्लास इंशाल्लाह एज पर स्केड्यूल शाम 4 बजे जो है वो स्टार्ट हुआ करेगी। ये क्लास का आपका सर सेशन जो है वो, जी अरसलान आप, कल भी क्लास है? कल जो नहीं आपकी क्लास के जो टाइमिंग आपने, क्योंकि सैटरडे और संडे क्लासेस हैं तो कल नहीं सर क्लासेस, सर नहीं सर, ये आज ओरिएंटेशन क्लास थी। हमारी प्रॉपर क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होती हैं। ये हमारा शुरू से ही स्टैंडर्ड यही है कि ओरिएंटेशन ठीक है एक वीक में होती है और उससे नेक्स्ट वीक में हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सो आपका फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट वो दस सैटरडे को तारीख से होगा। हो, वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा। जी जी थैंक यू थैंक यू। अच्छा दूसरा ये सर, एक जी जी आपने अभी टाइम शेड्यूल जो दिया वो तो 4:30 से 6:30 का है अभी, जी जैसे क्योंकि कुछ कंपनीज के अंदर हम तो खुद जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर क्योंकि 4:30 का आपके शेड्यूल के हिसाब से टाइम लिया हुआ है, तो अब आप लोग वहाँ पे अगर सर चार बजे साढ़े चार अचानक से नहीं है, गए तो 4 बजे है। सर 4:30 का है, आपने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है सारा, आप चेक करिएगा फिर आप करने कंफर्म कर इसको लीजिएगा इसको कोई। मैं देख लूंगा, लेकिन इसके अंदर अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो आप सब पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस। बेसिकली हमारी इसके क्योंकि बाद ना ये और एक कोर्स और वगैरह क्लास का जो होती है। हुआ था ना सर, कोर्स का अरसलान, जो हुआ था उसमें इस पे पहले क्योंकि बात भी हो चुकी थी कि भाई उन्होंने कहा 4:30 बजे से 6:30 का टाइमिंग है इस कोर्स साढ़े की, चार से सा नहीं 6:30 बजे तक इतना प्रलोंग नहीं होती। 6:30 बजे एग्जैक्ट तो हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है,
क्योंकि हमारे पास सर आप मल्टीपल बैचेस चेक कर चल रहे हैं। लीजिएगा, सर आप मैं चेक देख कर लूंगा, लीजिएगा। कोई मसला नहीं हाँ असलान भाई, मैं देख लूंगा। थैंक ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, यू। वेलकम चलें हमसे सर थोड़ा वो रैपअप करते हैं और इंशाल्लाह जो वो अगले सैटरडे को मुलाकात होगी आप सबसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, जजाक अल्लाह।